मगधीरा, बाहुबली और आरआरआर जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म देके एसएस राजामौली ने साउथ का ही नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है दोस्तों। तो यदि बात करें एसएस राजामौली के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, तो एसएस राजामौली का नेक्स्ट प्रोजेक्ट SSMB 29 होगा दोस्तों। और ये वाली फिल्म में महेश बाबू दिखाई देंगे। और इस फिल्म का पोस्टर्स और मोशन पोस्टर या फिर छोटी मोटी क्लिप्स की बात करें या फिर लुक की बात करें, तो ये वाली फिल्म की अनाउंसमेंट महेश बाबू के बर्थडे के दिन अगस्त में की जाएगी दोस्तों। तो ये वाली फिल्म की बात करें तो ये वाली फिल्म 2 से 3 पार्ट में बनाई जाएगी दोस्तों। और ये वाली फिल्म में पहले पार्ट में महेश बाबू दिखाई देंगे और दूसरे 2 पार्ट में कोई और भी हीरो एंट्री ले सकते हैं, ऐसा खबरों में आ रहा है। और ये वाली फिल्म का बजट की बात करें, इस फिल्म का पहले पार्ट का बजट 2000 से 2500 करोड़ होगा दोस्तों। ये बजट देख के आप सभी अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि ये वाली फिल्म को कि इस फिल्म को ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। यदि इस फिल्म का बजट ही 2000 से 2500 करोड़ है दोस्तों, ये वाली फिल्म 10,000 करोड़ की कमाई तो करेगी दोस्तों। और रिसेंटली खबरों में आ रहा है दोस्तों कि महेश बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है बॉलीवुड को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस स्टेटमेंट से नॉर्थ की जनता कहीं ना कहीं नाखुश है दोस्तों। ये वाली फिल्म की शूटिंग साउथ अफ्रीका में होगी दोस्तों, ऐसा भी खबरों में आ रहा है। और ये वाली फिल्म भारत के पवित्र टॉपिक रामायण से जुड़ी होगी दोस्तों। और ये वाला किरदार कहीं ना कहीं हनुमान जी से जुड़ा हुआ होगा दोस्तों। जैसे आप सभी ने राम सेतु देखी होगी दोस्तों, तो वैसे ही रामायण छोटा किस्सा इस फिल्म से जुड़ा हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।